हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज है 22 जनवरी। जैसा कि सबको पता है पूरे इंडिया में कि आज हो रहा है राम मंदिर का शिला, क्या कहते हैं उसे, प्राण प्रतिष्ठा, शिला प्राण, जो मूर्ति आई है राम मंदिर की, उसका आज इनॉग्रेशन है। और सब मोस्टली हिंदू जो क्या कर रहे हैं कि घर में पूजा कर रहे हैं और इस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एज अ दिवाली, दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि राम घर आ रहे हैं। और हम लोगों ने भी नहा लिया है, सब रेडी हो गए हैं, प्रसाद बन रहा है। क्या बना रही हो तुम? सूजी का हलवा? सूजी का हलवा बना रही, थोड़ा सा यहाँ पे पंचमेवा रखेंगे, अभी एक बचा है, फ्रूट्स वगैरह रख देंगे। यहाँ यहाँ आसपास फूल नहीं मिल रहे हैं, अभी लेके अपने गार्डन से छोटे छोटे फूल तो मिल जाएंगे, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं मिल रहा है। वैसे फूल की माला वाली लगी हुई है। अरे यार, मतलब तो आर्टिफिशियल है तो मगर क्या हुआ, चलो। हाँ, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के तो मिल ही जाएगा, बट हाँ सूजी का हलवा बना लेंगे, सूजी का हलवा बना लेंगे, सूजी का हलवा। बस यही सब तैयारियां चल रही हैं। डुगू को फीवर, डुगू को दो दिन से फीवर हो रखा है। डुगू की बस थोड़ी तबीयत खराब, थोड़ा फिर भी बेटर है, मगर अभी वायरल है तो दो तीन दिन तो और रहेगा। हाँ, अभी हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया था ऑनलाइन, तो उसको फीवर है, अभी डॉक्टर ने भी यही बोला है कि वायरल है, तो अभी 2-3 दिन और लगेंगे। और ये झंडा हमारा रेडी है, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा था, शिकानी दिखाया था, ये मम्मी ने भेजा है झंडा, ये बहुत बड़ा झंडा है। और इसको हमने और ये जो रॉड हमने बनाई है, ये पुरानी रॉड्स थी हमारी, उसको ज्वाइन करके बना दिया है, टेप से चिपका के। करोगे पूजा करते हैं फटाफट। और 11 बजे से 2 बजे तक का मुहूर्त है, और कितना बज गया अभी, 12 बजने वाला है। और आज हम लोग मम्मी और मैं, हमने सोचा कि जब सेलिब्रेट कर रहे थे थोड़ा सा रेडी पर जाते हैं, तो आज हम लोग साड़ी पहन के तैयार हैं, पूजा के लिए रेडी हो गया। बोलिए मोटी, हाँ ये मोटी है सूजी, थोड़ी थोड़ी मोटी वाली सूजी है। बस हलवा भी रेडी होने वाला है, तो अभी बाकी तो ये ड्राई फ्रूट्स रख दिए, बट अभी अखरोट खत्म हो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि मम्मी ले आई थी, तो अभी बस ये अखरोट में फोड़ के बस ये भी रखती हूँ। देखो अच्छा ही हुआ ना, आप ले आई वैष्णो देवी से। तो अभी मेरे पास नो ब्रोकर का नोटिफिकेशन आया है कि प्लम्बर आया है, तो उसका नाम भी राम है ना मम्मी। मेरे घर राम आए हैं, मैं खुश हूँ आज मेरे घर राम आए। हाँ, कोइंसिडेंस कितना बड़ा है ना। ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। चलो बाबू बैठो आप भी, और ये रहा, ये लो ये अभिषेक का सामान। नहीं बस उतना भगवान जी को उठाओ बस। बाबू दूध से नहलाओ, ये देखो दूध से, अब दही मलो अच्छे से, साबुन है, स्क्रबर है वो। कह रहा है घी मेरा फेवरेट, लगाओ अच्छे से। अब शहद, एक बार और कर दो शहद से भी। शहद उनका क्या होता है? मॉइस्चराइजर, शहद मॉइस्चराइजर है बाबू। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ताकि सब निकल जाए। रगड़ो उनको, तो हो गया था। चलो सब अच्छे से रगड़ो, नहलाओ। लास्ट में आप बाल्टी पलटते हो अपने ऊपर, बकेट पलटते हो ना, है ना, ये वही हो रहा है। लास्ट में जो बकेट आप अपने ऊपर करते हो ना, वैसे ही हो रहा है। उनको भी तो मन कर रहा है ना अच्छे से नहाने के, पेड़ों में डालने क्या? ये चरणों में तो बनता है ये चना में बनेगा। ये चरणामृत मतलब? अच्छा चना, भगवान जी के चरणों का, चरणों का अमृत, ये ओ चरण भूलते हैं वो अमृत बन जाता है। अब वाइप करो, आज समझ में आया उसका मतलब। चलो अब अच्छे से वाइप कर दो, हनुमान जी को मत भूल जाना। हाँ, हनुमान जी को मत भूल जाना, हनुमान जी को भी साफ करना। हनुमान जी को कैसे भूलेंगे भाई। ये राम मंदिर आना, दूरी ओ धन की मेवा।
साग भी धोरे घर खाओ मेरे प्रभु जी। शांति सर्व शांति शांति रे वा शांति सामा शांति रे दी ओम शांति शांति। और ये हम लाइव देख रहे हैं जो अयोध्या में चल रहा है पूजा का सेरेमनी, मोदी जी कर रहे हैं और घर की हमारी पूजा हो चुकी है और मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बना रखी है उन्होंने जो आई ये है सामने स्क्रीन पे। तो अब हम झंडा फहराने जा रहे हैं, ऊपर हमने झंडा बना रखा था। चलो तो ये है वो झंडा जय श्री राम का। हनुमान जी भी बने, तुम भी आओ, चलो ऊपर चलो, तुम भी झंडा फहराओगी। कुछ लोहे का काम हो रहा था, गेट वेट बनना था इस घर में, तो हमने वो झंडे लगवाने के लिए बना लिया था 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए और एक मंदिर के लिए झंडा जो होता है। हाँ वो बाहर को लिखवाना चाहिए, घर से दिखेगा ना साफ। हाँ सही लग रहा है, छोड़ो नीचे भी डालो अच्छे से। जय श्री राम। और मम्मी भी थोड़ा वॉक करके आ गई हैं, बस मैं फटाफट चाय बना रही हूँ। आंटियां मिल गई थी साइटी के क्लब हाउस में जा रहे हैं, कीर्तन या जो भी होगा वहाँ फटाफट चाय पीते हैं और थोड़े दिए वगैरह जलाते हैं, फिर खाने की तैयारी करेंगे। इवनिंग की आरती भी हो गई है, मम्मी चली गई आंटी लोगों के साथ फिर, और डुगु तब तक दिए जला रहा है ना। आप फटाफट दिए जलाओ फिर हम बाहर रखेंगे फिर चलेंगे, ठीक है। मंदिर से जला के लाओ दिए सारे, तो दिए तो अभी नहीं हमारे पास लेकिन हम ये कैंडल जला रहे हैं ना, आप जला दो फिर बाहर रख कर आएंगे, ठीक है। लगा दिया आपको, चलो अब आप खा लो बैठ के। आपको तो अभी मैं डिनर विनर करके बाहर निकला हूँ और सोसाइटी में भी थोड़ा सा फंक्शन था, दिल बना रखा है छोटा सा, ऐसे सही आ रही है। चलो पटाखे वटाखे भी फोड़े थे बहुत, बाहर कूड़ा हो रहा था अंधेरा हो रहा था तो सही से दिख नहीं रहा है, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और डुगु की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, फीवर वीवर हो रहा है उसे 2 दिन से, तो हमने फिर शाम को ज़्यादा शूट नहीं किया और मैं भी बहुत बिजी था, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लेट अस नो बाय क्लिक ऑन अ लाइक बटन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।